फिल्मादि पुरुष के रिव्यू की बस इतनी सी कहानी है कि फिल्म के डायरेक्टर ने वो जो एक सीट हनुमान जी के लिए छुड़वाई थी कि वहां बैठकर हनुमान जी उस फिल्म को देखेंगे, अगर कायदे से हनुमान जी वहां बैठ गए और गलती से ये फिल्म देख ली तो अपनी गदा उठाकर जो पहली क्लास है वो इस फिल्म के मेकर्स की लगा देंगे। इस फिल्म को देखने के बाद आपके जहन में एक ही सवाल आता है कि भैया क्यों, किस लिए, क्या जरूरत थी? मतलब एक नए सिरे से क्या आपको रामायण लिखनी थी? क्रिएटिविटी के नाम पर आपने डार्कनेस और ओछापन दिखाया, वो चल जाता है, लेकिन कहानी की मूल आत्मा कैसे मार सकते हो? राजा राम कह रहे हैं उनकी आवाज में जय श्री राम। संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लाते हैं उसे लाते हैं ताकि स्टॉक एक्स्ट्रा रख लिया जाए। इस फिल्म में कला के नाम पर एक ओछापन है और फिल्म को अगर एक शब्द में कहना हो तो यह फिल्म दो कौड़ी की है। वैसे ये भी कौड़ियों का उपहास हो जाएगा। रावण भी अगर इस फिल्म को देख ले तो वो तीर उठाकर अपने ही नाभि मार लेगा, कहेगा यार इसको देखने से अच्छा तो मैं मर जाता। मतलब कहां हमने सुना था कि रावण का चरित्र खराब था, लेकिन जीवन शैली जो थी वो काफी आकर्षित थी। यहां कोयले की लंका है जिसमें चमगादड़ में रावण घूमता है, लक्ष्मण जी नजर नहीं आती हैं, सीता जी को क्रिएटिविटी के नाम पर एक्सपोज कराया जा रहा है, भगवान श्री राम के नाम पर प्रभास इतने डिसअपॉइंट करते हैं कि क्या कहा जाए। रावण फिल्म में राम पर भारी पड़ रहा है जहां जहां नजर आता, और फिल्म में कुछ भी, लेकिन फिर भी हमें लगा कि आपको बताते हैं कि ये फिल्म क्यों देखें। मतलब हाँ, देख लेनी चाहिए आपको। आप ये फिल्म इसलिए देख सकते हैं क्योंकि जिस वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर ये फिल्म बनाने की बात कही गई है, ये फिल्म आपको बताती है कि महर्षि वाल्मीकि जो थे उन्होंने कितनी गलत रामायण लिखी थी। मतलब उन्होंने अपनी रामायण में लिखा था कि वहां रावण के पास सोने की लंका थी, यहां कोयले की लंका है। वहां रामायण में लिखा था कि रावण के पास एक पुष्पक विमान है, यहां पर नजर आता है उनके पास एक काला चमगादड़ है। वहां पर जल, जंगल, जमीन, खूबसूरत जानवर नजर आते थे, तो यहां पर आपके पास वो सस्ता किंग कॉन्ग नजर आता है, गेम्स ऑफ थ्रोन के लोग नजर आते हैं, और वो भालू नजर आता है जिसको देखकर आप कहते हैं कि यार इससे अच्छा ना तो वो हमारा छोटा भीम है। छोटा भीम, मोटा भीम या जितने भी शिनचोंग पिंचोंग जो भी होते होंगे, सब इनसे बेहतर है। मतलब राम मेघनाथ जो है वो टैटू बनवाकर घूम रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं। रावण जो वीणा बजाता था वो गिटार जैसा कुछ लेके घूम रहा है, गिटार के स्टाइल में पकड़ के प्ले कर रहा है। राजा राम के नाम पर प्रभास जो है वो इतने हल्के लगे हैं कि आपको लगता है यार ये वही प्रभास है जो बाहुबली में थे। मतलब काफी ज्यादा शॉकिंग है ये। सीता माता का तो रोल है ही नहीं, और सबसे दिलचस्प प्रणाम रामायण में ऐसे नहीं होता था, जय श्री राम ये नहीं, यूएस आर्मी वाला ये स्टाइल उन्होंने दिया है। कमाल, मतलब यार कुछ भी क्यों। मुझे लगता है 600 करोड़ की जो कहानी है ये सबसे बड़ा फ्रॉड इस फिल्म का था, क्योंकि इस फिल्म में 600 करोड़ जैसा कुछ नहीं, और अगर 600 करोड़ है तो ऐसा लग रहा है कि उसमें 550 करोड़ अकेले प्रभास ने ले लिए होंगे, 10-20 करोड़ ले लिए होंगे सैफ ने, बाकी 1-2 करोड़ बांट दिए होंगे बाकी लोगों में, और वो 4-5 करोड़ से वो पीछे का हरा पर्दा लगाकर इन्होंने फिल्म शूट कर ली होगी। रावण के सर जो है वो 10 शायद कमरा छोटा होगा क्रोमा वाला, तो एक दूसरे के ऊपर लगा दिए गए, और वो भी तिरछे मिर्छे लगा दिए गए कि चलो मैनेज हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप VFX जानते हैं तो आप MS पेंट खोल लीजिए और एक इमेज सेलेक्ट कीजिए, Ctrl-C Ctrl-V, और उसको पेस्ट करते जाइए, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि इस फिल्म को देखते वक्त आपकी आंखें जो है वो फूटने लगेंगी। आपको लगेगा यार वाकई में ये फिल्म है, मतलब नहीं मैं नींद में तो नहीं हूं, वो वाला इम्पैक्ट जो है यहां नजर आ रहा है। एक्चुअली में ये कौड़ियों का भी बदनाम करना है, और ये फिल्म बहुत 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 डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन आप हमें लगा कि इस फिल्म के टेक्निकल पॉइंट पर बात करते हुए आपको 10 वजह देते हैं कि आप ये फिल्म क्यों ना देखें, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस फिल्म में वैसे कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से रेटिंग अगर मुझे देनी होगी तो आप माइनस में कुछ भी दे सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आजाद भारत में इससे घटिया खराब फिल्म नहीं बनी थी। ताना जी इन्होंने बनाई थी मुझे डाउट होता है, प्रभास ने बाहुबली की थी मुझे डाउट होता है। मतलब वो जो एक व्हाइट वाला सीन है प्रभास का, प्रभास इतने गंदे लगते हैं, मुझे लगता है ये कौन है यार। तो पहली वजह आप ये फिल्म क्यों ना देखें वो ये है कि अगर आपने पुरानी वाली रामायण देखी है रामानंद सागर जी की, और आपके मन में रामायण को लेकर एक इमेज है, तो प्लीज आप इस फिल्म को मत देखने जाइएगा, क्योंकि ये फिल्म आपके सपनों को चकनाचूर कर देंगे। रामानंद सागर जी की जो फिल्म थी उसे आज भी अगर हम और आप बैठ कर देखेंगे तो आप 3-4-5 एपिसोड देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे संवाद हैं जो आपके दिल पर छू जाते हैं। लवकुश वाला सीन
आज भी देखकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। हनुमान जी का सीन जो है वो गजब है, लक्ष्मण और सीता माता को लेकर सीन हो या फिर राम जी का अपनी माताओं के साथ सीन हो, दशरथ जी का सीन हो, वो सारे सीन जो आपको भावुक कर देते हैं। इस फिल्म में वैसे कुछ है ही नहीं रामायण के नाम पर, इंसान जो है वो आपको 7-8 इंसान दिखते हैं, बाकी सब जो है वो कार्टून है जो खेल रहे हैं। तो आप रामायण के नाम पर कार्टून फिल्म देखने मत जाइए, ये सबसे बड़ा रीजन है। ये जो कहते हैं ना कि त्रेता युग वाली रामायण थी हमारी, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इस फिल्म में ना मर्यादा है और ना श्री राम है। इस फिल्म को एक नए सिरे से बताने की कोशिश की गई है और वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंट करता है कि आंखों से खून निकलने लगता है, कान से मतलब कान फट जाते हैं। ये कलयुग की रामायण है जिसे कलयुग वाली सोच के साथ शायद बनाया गया होगा, क्योंकि साधारण तौर पर यह फिल्म नहीं बन सकती। और त्रेता युग या उस राम की सौम्यता, उस मर्यादा, उस व्यक्तित्व को आप इस फिल्म में नहीं पाने वाले हैं। दूसरी बात जो है वो है क्रिएटिविटी के नाम पर कहानी को बदल देना। आप कहानी नहीं बदल सकते, आप सब कुछ कीजिए, आप कहानी को कैसे बदल सकते हैं? मसलन इस फिल्म में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बदल जाती, जैसे हमने आपको बताया कि रावण की लंका जो थी वो कोयले की लंका थी। ये फिल्म डार्क फिल्म है। इस फिल्म में राजा राम जो है वो कमजोर नजर आते हैं, राम जी के सामने सीता जी का अपहरण हो जाता है, हनुमान जी संजीवनी बूटी से लाते हैं क्योंकि वो मासूम थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि कौन सा पेड़ है जो संजीवनी है जिससे लक्ष्मण जी को हम देंगे। वो सारे सीन जो दर्शाए गए हैं उसमें कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया गया है, किस वजह से वो हुआ था वो पूरी कहानी को पलट दिया गया है। मतलब ये आपने नहीं सुना होगा, तो कहानी जो है उसकी मूल भावना को बदल देना, ये इस फिल्म का एक बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, मुझे लगता है कि ये दुखद है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह इस फिल्म को ना देखने की है इस फिल्म के डायलॉग्स। इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। मनोज मुंतशिर वो शख्स हैं जो तेरी मिट्टी जैसे गाने को लिख चुके हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं, राइट विंग के माने जाते हैं और उनको लेकर ट्रोलिंग भी हो रही है, हालांकि उनकी एक लॉबी उनको समर्थन भी कर रही है, लेकिन डायलॉग जो है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मसलन एक डायलॉग जो है वो है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। हनुमान जी का संवाद ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। मतलब हालांकि ये डायलॉग भी जो है ये भी चुराया गया है, ये एक स्वामी जी थे उन्होंने दूसरे लहजे में कहा था कि जब हनुमान जी गए तो कपड़ा जो था वो रावण का था, ऐसा था। लेकिन तेरे बाप तेरे बाप तेरे बाप तेरे बाप जो है ये टपोरी वाली भाषा है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हनुमान जी को लेकर हम सबके मन में एक आस्था है, एक प्रेम है, एक लगाव है, एक विश्वास है। अगर शायद ये मनोज मुंतशिर शुक्ला के अलावा कोई और होते तो अब तक मौजूदा जो गवर्नमेंट से जुड़े लोग हैं वो खा जाते, मतलब ये सच है, लेकिन ये आस्था के नाम पर खिलवाड़। और इसी वजह से कई सारी शिकायतें जो वो भी जा रही हैं। हनुमान जी ने जो कहा था असल में रामायण में वो ये था कि मेरी पूंछ में जो अग्निदेव देदीप्तमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर करना न्याय संगत जान पड़ता है। और उसको क्या कन्वर्ट कर दिया इस रामायण में, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगा भी तो तेरे बाप का, अर्थ का अनर्थ बना दिया है। और अगर आपको लग रहा है कि यही इतने डायलॉग्स हैं जो अनर्थ कर रहे हैं तो आप गलत हैं। मतलब इस फिल्म में डायलॉग है कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो तू हवा खाने पहुंच गया, लॉजिक है कोई इस बात का, तेरी बुआ का बगीचा है, चौकिंग, मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे, मेरी समझ से परे है। एक सीन है जिसमें दिखाते हैं कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, और उसमें जो सीन दिखाया गया है वो थोड़ा सा आपत्तिजनक भी है, गौर से अगर आप देखेंगे तो वो भी अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। हमारी बहनों को जो हाथ लगाएगा उसकी हम लंका लगा देंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे डायलॉग जो हैं वो खराब भी हैं, कुछ अच्छे डायलॉग भी इस फिल्म में लिखे गए हैं। जैसे लिखा गया है कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। तो ये जो बातें, अच्छा इसमें राम कहकर उन्हें संबोधित नहीं किया गया, राघव कहकर संबोधित किया गया। राम और लक्ष्मण के किरदारों के नाम जो हैं उन्हें भी थोड़ा सा बदलने की कोशिश की गई है। और इसको लेकर एक आप ये भी कह सकते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि शायद हम कलयुग में नए तरह से तुलसीदास जी बन जाएंगे, एक नई तरीके से हम राम को, रामायण को प्रस्तुत कर देंगे। मतलब लोगों का इमोशनल अटैचमेंट जो है इससे जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आप भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते हैं, आपको समझना होगा। क्रिएटिविटी के नाम पर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट के नाम पर आप फूहड़ता या ईश्वर के साथ अपमान। अगली वजह है नीला आसमान, पीला आसमान, रावण की कोयले की लंका, चमगादड़, हनुमान जी का ड्रेस,
राम जी की ड्रेस, मतलब वो जो बिहाइंड द सीन में दिखाते हैं याद करते हुए, वाइट ड्रेस में है यार। प्रभास जैसे एक्टर को आपने क्या बना दिया है। प्रभास बहुत बड़ा एक्टर है भाई। बाहुबली आप याद कीजिए, बाहुबली में जब वो सीन देवसेना के साथ आता है और वो गला काटता है, गूस बम दे दिए थे प्रभास ने। या कटप्पा ने जब मारा था, वो गूस बम देने वाला सीन था। यहां प्रभास हमें लाचार, बेबस, कमजोर नजर आ रहा है। मतलब प्रभास के स्टारडम का शायद इस्तेमाल करने के नाम पर इन्होंने या तो गलत सिलेक्शन कर लिया, या प्रभास का इस्तेमाल नहीं कर पाए, या प्रभास को उस तरीके से दिखा नहीं पाए। प्रभास की पर्सनालिटी में बहुत कुछ है, लेकिन कूड़ा कर दिया इन लोगों ने। मतलब प्रभास के सामने सैफ अली खान काफी स्ट्रांग लगे हैं, तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह। अगली वजह है कि जितने भी किरदार हैं, किसी ने भी अपने कैरेक्टर पर काम नहीं किया। उन्हें लगा कि ये बॉलीवुड की कोई एक फिल्म थी और उस फिल्म को उन्होंने उस तरह से कर दिया। सिवाय वो जो एक दो गाने आए हैं, उसके अलावा कुछ भी इस फिल्म में नहीं है जो आपको बांधता है या जोड़ता है। मतलब ये काफी डिसअपॉइंटिंग है कि ऐसा कैसे हो गया। तो किरदारों में सिर्फ थोड़ा बहुत सैफ ने अपने कैरेक्टर को जिया है, बाकी जितने हैं वो सब डिसअपॉइंट कर रहे हैं। इसके बाद अगली वजह जो है वो ये है कि इस फिल्म को गेम्स ऑफ थ्रोन बनाने की कोशिश की गई है, हैरी पॉटर जैसी डार्क फिल्म बनाने की कोशिश की गई है, और ये इसको डिसअपॉइंट करती है। राम मतलब रोशनी, सोने की लंका मतलब वो एक पॉजिटिविटी। इसमें पॉजिटिविटी के नाम पर कुछ नहीं है। इसमें आपको VFX के नाम पर वो भालू नजर आते हैं, बंदर जो हैं वो अलग से नजर आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सेकेंड हाफ में आपको प्रभास भी नजर नहीं आते। आपको वो VFX वाली लड़ाइयां दिखती हैं जो आपस में कार्टून के लोग लड़ रहे हैं, एक तरह के सीन्स को रिपीट किया गया है। इंटरवल के पहले की कहानी जो है वो फिर भी बर्दाश्त करने लायक है, लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाली, सुग्रीव या जितने भी हैं उनको जिस तरह से बैनर बनाया गया है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इमोशंस आप इसमें जीरो हैं, क्योंकि कहानी पूरी फिल्म में 10 लोग दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद सब जो है वो कार्टून है, और कार्टून में जितनी भी लोग हैं वो आपको इमोशन नहीं दे सकते। गेम्स ऑफ थ्रोन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका बहुत ही लाइट वर्जन। मतलब ये जो डायरेक्टर साहब हैं, ये अपने आप को मणिरत्नम या राजा मौली सोचने लगे थे, लेकिन राजा मौली के नाम पर ना राजा है ना मौली है, ये कुछ अलग ही बन गए। ताना जी ने बनाई थी, मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि यही डायरेक्टर थे, कैसे कर ले गए थे ये। मतलब इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड सैड कि एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इतने बड़े नाम को, इतना पैसा लगाकर आपने कूड़ा कर दिया। अच्छा, जो रावण के दस्तर वाला सीन है, उससे अच्छा तो हमारे टिकटॉकर्स वीडियो बनाते हैं। मतलब वो नहीं झेला जा रहा, उससे अच्छा सा यकीन मानिए टिकटॉकर्स की वीडियो ज्यादा खूबसूरत होते हैं, जिस तरह से वो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यहां तो उसको एकदम कूड़ा करके रख दिया, बर्बाद कर दिया। वो बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि यार आप मतलब क्या VFX दिखा रहे हो, क्या आप यार ट्रांजिशन दिखा रहे हो। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। डायलॉग जो है वो हैरान करने वाले। फिल्म जो है वो तगड़ी झिलाऊ फिल्म है, मतलब आप झेल जाते हैं। एक्शन सीन जो है फिल्म एक्चुअली कहानी को तो इन्होंने कहा कि गोबर है, हम एक्शन सीन दिखा लेते हैं, लेकिन एक्शन सीन जो है वो भी आपको रुला देते हैं, आपको खुश नहीं करते हैं। सैफ अली खान जो है वो चमगादड़ और अपना वो अजीब सा लुक लेकर है। हालांकि इस पूरी फिल्म में सबसे अगर अच्छी एक्टिंग कोई है तो सैफ की है। रावण का रोल राम जी के रोल से ज्यादा पावरफुल है, चाहे वो रावण का पूजा करना हो, रावण के सीन्स हो, रावण के डायलॉग्स हो, वो सारी चीजें जो है वो पावरफुल होती है। प्रभास जो है वो कहीं से राम आपको नजर नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि रामचरण इनसे ज्यादा राम लग रहे थे। आप याद कीजिए रामचरण RRR में, वो इनसे ज्यादा राम लग रहे थे। अरुण गोविल जी भी इसलिए शायद नाराज हो गए, क्योंकि हर आदमी नाराज है। रामानंद सागर के बेटे जो है वो चले गए शिकायत करने, कई और लोग शिकायत करने गए, और शिकायत होनी भी चाहिए यार, आपने फिल्म के नाम पर कूड़ा कर दिया। और ये फिल्म जो है आसान शब्दों में आपके लिए वही जो मैंने कहा ना शुरुआत में, दो कौड़ी, एक्चुअली दो कौड़ी की फिल्म है, और ये भी कौड़ियों का अपमान है। खैर, जाते थे समराइज कर देते हैं इस फिल्म को, अब क्यों ना देखें, क्योंकि कहानी बदल दी गई है, कहानी इसमें है नहीं, और जो है वो बदल दी गई है, तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे अगर आप रामायण देखने जा रहे हैं। दूसरा, राम जी को लेकर, सीता माता को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर, हनुमान जी को लेकर एक हमारी आस्था भावना लगाव था, वो लगाव इसमें नहीं है। इमोशंस के नाम पर आपको मिलता है जीरो।
कहानी में नाम बदल दिए गए, राम राघव हो गए हैं, लक्ष्मण जी जो हैं वो शेष हो गए हैं, और ये सारी चीजें जो हैं ये बदल जाती हैं, तो ये भी आपको डिसअपॉइंट करती हैं। प्रभास, आपको राम जी नहीं लगते हैं, सीता माता का जो रोल है, कृति सेनन कब आती हैं कब जाती हैं पता नहीं लगता, लक्ष्मण जी जो है उनको इंपॉर्टेंस दी नहीं गई, शायद उनको माना गया कि इनके जमेगी नहीं, लैंग्वेज जो है वो तेरे बाप की जलेगी, बुआ का बगीचा समझा है, ये किस स्तर के हैं ये आप सोच सकते हैं। और किंग कॉन्ग अगर आपको देखना हो तो आप किंग कॉन्ग को देख सकते हैं, गेम्स ऑफ थ्रोन देख सकते हैं, लेकिन उसका भी लाइट वर्जन है, इससे बेहतर है कि वही फिल्म आप दोबारा लगा लीजिएगा। आसान शब्दों में, इस फिल्म को आप अगर देखने जा रहे हैं तो आप अपना पैसा बर्बाद करने जा रहे हैं। इस फिल्म के मेकर्स को माफी मांगनी चाहिए कहानी को पलटने के लिए। नेपाल में जैसे सीन काटे गए, ऐसे ही भारत में इस फिल्म को लेकर आप मेकर्स को कहना चाहिए आई एम सॉरी, हमने गलती की। और ये सबसे बड़ी बात है कि पहली बार नहीं हुआ, एक साल पहले भी जब ये फिल्म आई थी तब लोगों ने कहा था क्या बना दिया, तब उन्होंने कहा था कि विश्वास रखिए हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन अब डिसअपॉइंट नहीं, अब वही जो हमने शुरुआत में पहला सीन कहा था कि अगर राम जी भी बैठे हो तो हनुमान जी बैठे होते उस सीट पे, तो हनुमान जी कहते कि पहले एक काम करो, गदा उठा के इन लोगों को मारो, क्योंकि ये फिल्म जो है ये अपमान है। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी सैड।